नमस्कार, मैं हूं कंचन। रेसिपी प्लानर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में खाने का स्वाद बढ़ाने वाली लहसुन की चटनी बनाएंगे। इसे आप बना के 1.5-2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये खराब नहीं होती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें आपको ज्यादा तामझाम, ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा सामग्री की जरूरत है, फिर भी ये खाने का बहुत स्वाद बढ़ाती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और मैंने यहाँ पे लहसुन 1 कप छिलके लिया है, ये इसके अंदर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप सूखा नारियल लिया है, इसको बड़े ग्रेटेड से ग्रेट किया है। आप चाहे तो इसको बारीक पीसेस में कट करके भी ले सकते हैं। अभी इन दोनों चीजों को थोड़ा सा भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है ताकि इसके अंदर का हल्का सा मॉइस्चर चला जाए। अगर आप नहीं भूनेंगे तो भी चलेगा, बिना भुने भी बना सकते हो। ये देखिए, मैंने इसको करीब 3 मिनट के लिए हल्का सा भुना है, कलर वगैरह भी इसका चेंज नहीं हुआ है। तो अभी गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ये ठंडा हो चुका है, इसको मैंने ठंडा करने के लिए यहाँ रखा था। और अभी मैंने यहाँ पे एक मिक्सर का बर्तन लिया है और अभी इसको इसके अंदर डालेंगे। और अभी इसको मिक्सर में ऑन ऑफ करते हुए चलाना है, लगातार नहीं चलाना। लगातार चलाएंगे तो कोकोनट अपना तेल छोड़ेगा, इसीलिए ऑन ऑफ करके इसको चलाना है। ये देखिए, ये अभी मोटा मोटा है, बीच में एक दो बार मैंने इसको हिलाया था। और अभी इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। आप चाहे तो इस समय इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला भी थोड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं। और फिर से इसको ऑन ऑफ करते हुए और थोड़ा सा पीसेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ऐसी बननी चाहिए, ये तैयार है। ये देखिए, इस तरीके की होनी चाहिए। आप इसे रोज के खाने के साथ सर्व कर सकते हो, ये बहुत टेस्टी बनती है और इसको बना के रख सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। सफर में भी ले जा सकते हैं, टिफिन के लिए भी दे सकते हैं, तो बना के जरूर ट्राई कीजिए। और इसके अलावा और भी मूंगफली की चटनी वगैरह हमारे चैनल पर है, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इन चटनियों को बना के जरूर रखिए और खाने का स्वाद बढ़ा लीजिए। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।